स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में और आपके साथ मैं हूँ विनोद जॉनपॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चलती मालवाहक गाड़ियों में चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने नगर एसपी से मुलाकात की और सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। जिला मुख्यालय पहुंचे ये सभी वाहन मालिक पिछले कुछ दिनों से हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान हैं, जहां जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आरक्षी अधीक्षक नगर से चलती गाड़ी में हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की, जहां जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव ने कहा कि चोरी की घटनाएँ ज़्यादातर स्लैग रोड लिट्टी चौक होते हुए भुयाडी बस स्टैंड के बीच घट रही है, जहां ड्राइवर द्वारा विरोध करने पर चोरों द्वारा हथियार का भय दिखाकर डराया और धमकाया जा रहा है। ऐसे में हर गाड़ी मालिक को रोजाना 10,000 से लेकर 35,000 तक का नुकसान हो रहा है। लोगों की कंपनी की और सभी ट्रक ओनर्स की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो टाटा स्टील या 12 से जो गाड़ियां आती है, 3 किलो जो किसी भी कंपनी से आती है, वो सब भुयाडी बिरसा मुंडा चौक से होके क्रॉस करती है। और उसमें क्या हो रहा है कि वो टेलर का और हॉर्स के बीच में जो कनेक्टिंग कॉपर वायर होता है उसको काट लिया जाता है, चैन उतार लिया जाएगा, ताना उतार लिया जाएगा, जो गुटका रहता है उसको खोल लिया जाता है, तिरपाल को उतार लिया जाता है। अगर ड्राइवर कभी विरोध करने का प्रयास करता है तो उसे अस्त्र दिखा करके उसे डरा करके भगा दिया जाता है। तो ये जो घटनाएं हैं लगातार हो रही है और इधर जो है घटना बड़े पैमाने पे हो रही है। टाटा स्टील के संस्थापक जेएन टाटा की 150वीं जयंती के मौके पर इस बार थीम रखा गया है टेक्नोलॉजी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। इस मौके पर शहर को शानदार विद्युत सज्जा के जरिए परिलोक में तब्दील कर दिया गया है। इस वर्ष संस्थापक दिवस की थीम है टेक्नोलॉजी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। समारोह में पूरे जमशेदपुर में 50 से अधिक महत्वपूर्ण स्थलों की विद्युत सज्जा शामिल है। हर साल टाटा स्टील अन्य टाटा समूह की कंपनियों के साथ संस्थापक की जयंती और सामुदायिक कल्याण को केंद्र में रखते हुए औद्योगिक भविष्य के इनकी दूरदर्शी सोच का जश्न मनाती है। जेएन टाटा ने 1870 के दशक में मध्य भारत में एक कपड़ा मिल से अपनी उद्यमशीलता यात्रा शुरू की। उनकी दूरदर्शिता ने भारत में इस्पात और बिजली उद्योग को प्रेरित किया, तकनीकी शिक्षा की नींव रखी और देश को औद्योगिक देशों की श्रेणी में शामिल होने में मदद की। समारोह में पूरे जमशेदपुर में 50 से अधिक महत्वपूर्ण स्थलों पर रोशनी की जाएगी, जिसमें हेरिटेज बिल्डिंग, पूजा स्थल और चौराहे शामिल है। इन प्रदर्शनों में उपयोग की जाने वाली रंगीन रोशनी न केवल शहर की सुंदरता को बढ़ाएगी बल्कि इस अवसर को यादगार भी बनाएगी। सिटी की एलिमिनेशन, दिल्ली पार्क और बाकी सब राउंड अबाउट बिल्डिंग्स दोनों शहर के ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में भी 2 तारीख शाम को एलिमिनेशन शुरू होगा और 5 तारीख तक चलेगा एवरी इवनिंग। उसका कुछ टाइम भी एक्सटेंड किया है ताकि लोग ऑफिस से आते हैं, खाना खा के फैमिली के साथ जाते हैं तो ड्राइव करके भी उसका आनंद उठा सकें। और उसके अलावा 3 मार्च मॉर्निंग में पोस्टल पार्क के सामने जैसे हर साल होता है वहीं पर एक प्रेजेंट्री ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय की शाखा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। उनकी मांग है कि 2018 से लंबित जेनेरिक परीक्षा का आयोजन फिर से आरंभ किया जाए। आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जमशेदपुर वर्कर्स जमशेदपुर नगर इकाई की ओर से आज हम लोग कोल्हान विश्वविद्यालय के शाखा कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। यहाँ डिमांड है कि जो जेनरिक पेपर की परीक्षा जो 2017 से नहीं हुई है, पहले 2 पेपर सब्सिडी का पढ़ाया जाता था लेकिन अभी एक ही पेपर पढ़ाया जा रहा है, एग्ज़ाम भी ली जा रही है। इसका खामियाजा ये है कि जो स्टूडेंट लोग सरकारी नियुक्तियाँ वो नहीं भर पा रहे हैं, तो हमारा डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है जेनरिक पेपर 2 की परीक्षा आयोजित की जाए। उधर परसूरी बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जर्जर भवन के छज्जे टूटकर गिर पड़े। हालांकि उस वक्त वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। बारिश के दौरान
परसूडी बाजार में करीब 12 से 13 दुकानों के छज्जे गिर गए। जानकारी देते हुए दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि कृषि बाजार समिति के अधीन परसूडी बाजार अंतर्गत भवन को विभाग ने कंडम घोषित करते हुए 198 दुकानदारों को नोटिस थमाया था। उन दुकानों को ध्वस्त करने का निर्देश भी दिया, जो किसी भी समय ध्वस्त किया जा सकता है। वहीं सभी दुकानदार मिलकर विधायक मंगल कालिंदी के सहयोग से 6 माह पूर्व उपायुक्त से मुलाकात की। तब दुकानदारों ने उपायुक्त से यह आग्रह किया कि उनको दुकानें ठीक है, केवल ऊपरी हिस्से की मरम्मतीकरण की आवश्यकता है। और बारिश के बाद में आंधी तूफान जो चलने लगा, उसमें जो है यहाँ जो छज्जा है, छज्जा के ऊपर में रेलिंग दिया हुआ है और रेलिंग इतना वजनदार है कि छज्जा बर्दाश्त नहीं कर पाया, हवा आया और वो गिर गया। हम लोग बार बार ये कहा, सरकार के तरफ से मार्केटिंग बोर्ड के तरफ से ये तय किया था कि हम लोग तोड़ करके जो है इसको बनवाएंगे, लेकिन दुकानदारों का ना प्रेशराइज करके दबाव दे करके कि भाई इसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, नीचे कुछ नहीं है, जो कुछ है ऊपर में है डैमेज, तो आप ऊपर में आप तोड़ फोड़ कीजिए और नीचे का छज्जा जो है इसको पिलर दे करके आप पूरा ढलाई कर दीजिए, पूरा एकदम 50 साल के लिए फिर बम बम हो जाएगा। नीचे का दुकानदार को भी परेशानी नहीं होगा, ऊपर ऐसे खाली वैकेंट पड़ा हुआ है, ऊपर में काम करने से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जिस जिस ब्लॉक में काम शुरू होगा वो कुछ दिन के लिए दुकान बंद रहेगा, यही मोटा मोटी तय हुआ था। और कल आंधी तूफान आया तो यही। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जिले के किसान भाइयों को राज्य सरकार द्वारा बेहतर प्रशिक्षण के लिए छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। आज उनका पहला जत्था रवाना हुआ। कुल कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? 37। कितने दिन का है वहाँ प्रशिक्षण? मेरा नाम गोपेन कुमकार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? पटमदा का रहने वाला हूँ। बताइए पूरा कहाँ जा रहे हैं आप लोग, क्या सर? हम लोग राष्ट्रीय बागवानी मिशन से हम लोगों को प्रशिक्षण के लिए हम लोगों को छत्तीसगढ़ रायपुर भेज रहे हैं। हम राज्य सरकार डीसी ऑफिस के यहाँ से हम लोगों को झारखंड सरकार की ओर से हम लोगों को अच्छी अच्छी वहाँ से टेक्निकल जो भी हम लोगों को बाहर से सीखने का मिलेगा उसी तरह हम लोगों को यहाँ आके हम लोगों को अपना खेत में तैयारी करेंगे और दूसरों को किसानों की भी हम लोग मदद करके उसी का हम लोगों को लाभ के लिए हम लोग जा रहे हैं। कुल कितने किसानों को भेजा जा रहा है अभी? हम लोगों का 40 किसान अभी लगभग में जा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण से खुश सनातन उत्सव समिति ने आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूरी तरह से समर्थन देने की घोषणा की है। एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सनातन उत्सव समिति द्वारा बताया गया कि भाजपा के केंद्र की सरकार ने वर्षों पुराने राम मंदिर का मसला सुलझा लिया है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में सनातन उत्सव समिति भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने को समर्पित करेगी। अभियान जो आने वाली अपने सबसे बड़ा महापर्व है जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में प्रचार करने जा रही है। हमारा स्लोगन है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत संकल्प पत्र सुझाव अभियान को लेकर गुरुवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबीत की ओर से सरायकेला में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता सम्मेलन सरायकेला भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह देव, महामंत्री राकेश सिंह, मंत्री मनोज तिवारी, कोषाध्यक्ष मनोज चौधरी एवं मीडिया सह प्रभारी राजकुमार सिंह की उपस्थिति में हुआ, जिसमें अभियान के विभिन्न चरणों की जानकारी दी गई, जिसके तहत सुझाव एकत्रित करने के लिए जनसंपर्क गतिविधियों के विषय में बताया गया। आज़ादी का 75 वर्ष पूरा किया और जो 75 वर्ष से 100 वर्ष की दूरी है, लगभग 25 वर्षों की ये दूरी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ये अमृत काल का समय है। और इस अमृत काल में हम वैसे भारत की कल्पना करते हैं जो एक गौरवशाली और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के मानचित्र पर उभरे, एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में उभरे, एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे और एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत के रूप में हम सबों के सामने आए। उस समय शायद हम लोग में से यहाँ उपस्थित सारे लोग बुजुर्ग हो जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के सामने यह देश कैसा होगा, इसका संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के समक्ष ये विचार रखा और उसके लिए हम सभी लोगों को उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए
उनका ये विचार है। अखिल भारतीय नाई संघ द्वारा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की याद में सड़क का नामकरण बिरसा नगर में किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। आज अखिल भारतीय नाई संघ की ओर से बिरसा नगर ओनबी में जो भारत से रक्त से सम्मानित भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की भारत सम्मानित आज उनके नाम के द्वारा रोड का नामकरण किया गया। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारे समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक
वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है, तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।